हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस एस सरस्वती क्लासेस। मैं आपका दोस्त सौरभ मित्तल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस एस सरस्वती क्लासेस में। सो गाइस, आज आपका है चैप्टर 14.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 7th है। आज ये हम समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ब्लो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। तो गाइस, जैसा कि अभी हमें क्वेश्चन ने बताया कि द डिस्ट्रीब्यूशन ब्लो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, है ना गाइस। तो ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नीचे दिया हुआ बटन एक कक्षा के 30 यानी कि 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, ठीक है। एंड फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो गाइज, ये वेट मतलब भार हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि जो बच्चे हैं उन लोगों की संख्या, छात्रों की संख्या। तो हमें मीडियन निकालने का कहा गया, तो मीडियन का फॉर्मूला यह मैंने लिख दिया ऑलरेडी। तो आप सभी लोग इस फॉर्मूले से भली भांति प्रकार से जानते ही हैं इस फॉर्मूले को, है ना, तो और परिचित भी हैं। तो फटाफट से बिना देरी करें हम CF निकाल लेते हैं, ठीक है गाइस। चलिए, तो CF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 जो पहली डिजिट है एज इट इज लिख दीजिए। अब 3 और 2 5 हो गए, 8 और 5 कितने होते हैं भाई, 8 और 5 अपने हो गए 13, ठीक है। 8 और 5 अपने 13 हो गए, 13 और 6 कितने हो गए 19, 13 और 6 अपने 19 हो गए, 19 और 6 कितने हो गए भाई 25 हो गए, 25 और 3 26 27 28, ठीक है, 28 और 2 30 हो गए यानी 29 30, ठीक है। तो ये लास्ट में जो नंबर हमारा आ रहा है वो हमारा n हो गया, ठीक है। स्मॉल m इजकल्स टू में n अपॉन के 2 इजकल्स टू में 30 अपॉन में 2, 2 में से 30 गए कितने बचेंगे 15, तो यानी कि हमारा आ गया 15 टर्म। आ गया क्या नहीं आ गया, आ गया। आप सभी लोग जानते हैं मैंने क्या किया है, है ना। ये 15 यहाँ लिख लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड 15 आ गया। अब 15 अपनी n अपॉन 2 की वैल्यू है जो कि हमें एक तो पता चल गई। 15 हमें देखना है कि CF जो है, जो कि हमारी संचयी आवृत्ति है, इसमें हम देखना है कि 15 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा नंबर है तो हमें बताओ, ठीक है। तो 2, 15, 13, 19, 25, 28, 30 में से 15 से बड़ा नंबर हमें नज़र आ रहा है 19, क्योंकि 19 से छोटा नंबर अगर हम काउंट करें तो हमें यहाँ दिख रहा है 13, क्योंकि 15 से छोटा है। तो 19 वाले को देखेंगे, 19 के सामने वाले जो भी फ्रिक्वेंसी दी होगी वो हमारी फ्रिक्वेंसी कहलाएगी जे, ठीक है। फॉर्मूले में जो हमें सॉल्व करनी है फ्रिक्वेंसी, ऐसा तो है नहीं कि अपन सभी फ्रिक्वेंसी को ले लेंगे, लेंगे तो ऐसी किसी को ही जिस फ्रिक्वेंसी पे अपनी टर्म डिपेंड करती है। तो हमारी टर्म क्या है, 15 आई है। तो 15 टर्म हमारे को ये बताती है कि इससे बड़ा अगर कोई नंबर होता है तो उसके सामने वाली जो भी फ्रिक्वेंसी वो हमारी फ्रिक्वेंसी अभी कहलाएगी, ठीक है। जो टेबल में हमें पुट करनी है वैल्यू वो फ्रिक्वेंसी कहलाएगी, और इसके सामने वाले जो भी क्लास इंटरवल होगा उसका जो L1 वो L2 होगा। तो यहाँ हमें चाहिए L1, तो L1 कितना हो गया हमारा 55, फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई हमारी 6। अब इसके ऊपर वाला जो भी नंबर होगा वो हमारा क्या कहलाता है, CF, क्या कहलाता है, CF। आप सब लोग जानते हैं इसलिए चलिए, CF हमारा कितना हो गया 13, ठीक है। N अपॉन 2 हमारा कितना हो गया 15, जो कि टर्म हमारी दी गई, वैल्यू भी तो रखनी पड़ेगी। एंड h बताओ, h क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता था 60 में से 55 का, कितने बचेंगे 5, ये वैल्यू आ गई, इसे पुट कर दीजिए। तो मीडियन हमारी है, L1 हमारा क्या आ गया हमारा, देखो गाइस पुट हमें करना है, वैल्यू तो आपको समझने आ गई होगी। अब सीधा सीधा क्या है, हमें पुट करनी है वैल्यू। तो 55 जो है, 55 यहाँ पे पुट करेंगे तो 55 आ गया, n अपॉन 2 कितना हो गया 15, CF हो गया 13, फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई 6, H कितना हो गया हमारा 5। देखो L1 कितना हो गया 55, फ्रिक्वेंसी 6, CF कितना हो गया 13, N अपॉन 2 कितना हो गया 15, H कितना हो गया 5, हो गया, सबरी वैल्यू पुट हो गई। चलिए अब हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है, 55 प्लस, ठीक है, 15 में से 13 गए कितने बचेंगे बच्चों, 15 में से 13 गए हमारे बचेंगे 2, मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 6, 55 ऐसे के ऐसे चल रहा है, ठीक है ना।
दो का मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो ना काट दो, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, तो कितना बचा, पाँच बटे थ्री आ गया, फाइव अपॉन के थ्री आ गया, तो पचपन प्लस के। अब डिवाइड करना है हमें इसमें इसका, तो क्या करना चाहिए भैया, ठीक है समझने आ रही है ना कैसे कर रहा हूँ, थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स है जो कि पाँच से बड़ा है इसलिए थ्री वन जा थ्री, पाँच में से तीन के दो बचे, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम लगाएंगे एक दशमलव, यहाँ सॉरी यहाँ दशमलव नहीं है, हम लगाएंगे जीरो, ठीक है क्योंकि हमने अगर यहाँ हम जीरो लगाते हैं तो यहाँ लग जाएगी दशमलव, आ गई समझ नहीं, नियम तो यही कहता है कि जब हम मन से यहाँ एक जीरो लगा रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्लियर। तीन का पाड़ा पाड़ो ऐसा कि बीस से ज़्यादा ना हो, बीस से कम हो, या फिर बीस भी हो सकता है, तो थ्री सिक्स एटीन, तो अठारह में से बीस में से अठारह का कितने बचे, दो बचेंगे, तो वापस जीरो लगा लें, जब एक बार जीरो लग गया उसके बाद अपन ने दशमलव लगा दी तो अपन एक और बार जीरो ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फिर से अपन वही करेंगे तो कितना आ गया, सिक्स आएगा। तो इस तरीके से गाइस ऐसा क्या हो रहा है, ये टेबल का अंत नहीं होने वाला, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिक्स सिक्स अपन जीरो लगाते जाएंगे सिक्स आता जाएगा, तो इसलिए 1.66666666 ऐसे सीरीज जाएगी। तो एक काम करते हैं हम इसे अप्रॉक्स कर देते हैं, अप्रॉक्स कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 1.6666 की जगह हम लिखने की जगह हम लिख देते हैं 55 प्लस के 1.67। अब आप कह रहे होंगे 7 को लिखा, मैं बता देता हूँ गाइस, जब भी ऐसी कोई सीरीज़ चल रही हो तो सीरीज़ का अंत करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट के बाद अपने एक डिजिट तो लिख ली ना, है ना, सेम सीरीज़ चल रही है तो पॉइंट के बाद अपन ने एक डिजिट ले ली, और अपन को नियम है कि अपन पॉइंट के बाद दो नंबर तक ले सकते हैं, दो या तीन नंबर तक ले सकते हैं, चाहो तो आप आगे भी ले सकते हो, लेकिन दो या तीन नंबर तक भी अगर लेते हो तो आंसर ठीक माना जाता है। तो यहाँ पर है ना पॉइंट के बाद अपन ने दो नंबर तक ले लेते हैं, तो यहाँ पर अपन सिक्स सिक्स तो लेंगे नहीं क्योंकि बाकी सीरीज़ भी है, तो वो सीरीज़ का अंत करने के लिए हम यहाँ पर एक नंबर ऐड कर देते हैं जिससे वो सीरीज़ यहाँ पर ऐड हो गई, कभी भी अगर हमें ये सीरीज़ में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर सेवन हट जाएगा और सिक्स 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 चला जाएगा, ठीक है। तो अब आ गई अपने समझ में 1.67, और याद रहे अगर यहाँ पर मैंने दो नंबर तक लिया है, अगर आप चाहो तो तीन नंबर तक ले देना तो 1.667 होता, अगर आप तीन नंबर तक लेते तो, ठीक है, लेकिन इतना काफ़ी है। तो क्या है 55 प्लस 1.67 करेंगे तो कितना आ जाएगा 56.67, कितना आ गया 56.67, और ये आंसर हमारा केजी में निकल रहा है क्योंकि यहाँ पे वेट की बात करी गई है केजी में, देखो इन केजी है इसलिए आंसर भी केजी में आ गया, और यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देते हैं अप्रॉक्स, अप्रॉक्स क्यों लिख रहे हैं, अब आप समझ गए होंगे, तो आई थिंक अब आप गाइज आपको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। इससे पहले भी कहीं ऐसी कंडीशन उठी हो तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना चाहिए, है ना गाइज। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमें लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में जरूर हमें बताइएगा अपना एक्सपीरियंस, एंड देन गाइस यह वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर आप उन तक पहुंचाएंगे तो आपका भी भला होगा, साथ में उन बच्चों का भी भला होगा बेचारे जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग को अच्छी एजुकेशन मिलेगी वो भी सबसे सस्ते में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।